सो टुडे वी आर विद द टॉपिक द डेफिनेट आर्टिकल्स द और सम लाइक्स टू कॉल इट दी बट आई प्रिफर्स टू कॉल इट द सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक द डेफिनेट आर्टिकल द द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट इज यूज द इज यूज विथ द यूनिक ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज समटाइम यू कैन से इट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज ओनली सिंगल इन द होल यूनिवर्स द सी द स्काई द इक्वेटर द स्टार्स दीज आल आर यूनिक इन देमसेल्स फॉर दैट वी यूज द बिफोर दैम वी हैव टू यूज द नाउ तो दा जो होता है हम वो यूनिक ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं मैं उनसे पहले यूज़ करते हैं मीन्स वो अपने आप में विशेष होते हैं और आप कह सकते हो कि पूरे यूनिवर्स में वो एक अकेले होते हैं या वो वही सिर्फ होते हैं तो उनके साथ हम दा यूज़ करते हैं जैसे अर्थ हम जब हम अर्थ की बात करते हैं या सन की बात करते हैं या मून की बात करते हैं तो इन सभी से पहले आप दा यूज़ करेंगे क्योंकि ये यूनिक है और ये सिर्फ ये पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही पाए जाते हैं तो इनके साथ जो विशेष होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं विशेष ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको दा का प्रयोग करना है तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि अर्थ हुआ सी है स्काई है इक्वेटर है या स्टार्स हैं ये सब अपने आप में यूनिक है और इनके साथ हमें दा का प्रयोग करना है. नेक्स्ट है दा इज यूज बिफोर नाउन विच इज यूज सेकेंड टाइम ऑफ मैंशन अर्लियर तो हम दा का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हम उसे एक ही मीन्स सेंटेंस में हम उसे सेकेंड बार यूज़ कर रहे हैं या उसका हमने पहले यूज़ कर लिया है तो ऐसे नाउन से पहले हम उसका यूज़ करते हैं जिसको हम सेकेंड टाइम में यूज़ करने जा रहे हैं या उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं तो एक एग्जांपल लीजिए आप इसके द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि दा हमें कहाँ यूज़ करना है. सो देयर वॉज ए किंग क्यून देयर वॉज ए क्यून द क्यून वॉज वेरी क्रूअल तो यहाँ हम जिस क्यून की बात कर रहे हैं पहले सेंटेंस में देयर वॉज ए क्यून तो इसका मतलब और तो इसको हम मेंशन पहले ही कर चुके हैं पहले सेंटेंस में ये दो वाक्य हैं देयर वॉज ए क्यून और दूसरा वाक्य द क्यून वॉज वेरी क्रूअल तो देयर वॉज ए क्यून तो इसका मतलब है हमने क्यून के बारे में पहले ही बता चुके हैं और सेकेंड टाइम हम वाक्य में क्यून को यूज़ कर रहे हैं तो इससे पहले हमने दा यूज़ किया है तो दा सेकेंड सेंटेंस में द क्यून वॉज वेरी क्रूअल इससे पहले हमने दा का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये सेकेंड टाइम यूज़ हो रहा है और इस नाउन को हम पहले वाक्य में बता चुके हैं. सो आई थिंक ये आपको यूसेज इसका समझ में आ चुका है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नाउन से पहले जो सेकेंड टाइम यूज़ हो रहा है या जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं तो उनके साथ हम उन नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट वाट एवर इफ वी आर गोइंग टू यूज इट द सेकेंड टाइम और वी आर गोइंग टू मेंशन दैट नाउन अर्लियर वी हैव मेंशन दैट नाउन अर्लियर बिफोर दैट नाउन यू हैव टू यूज द हियर यू कैन सी एन एग्जाम्पल देर वॉज ए क्यून so and the second sentence is the queen was very cruel in the second sentence we have used da before the queen because it's the second time the queen is mentioned here so that in the first sentence we have already mentioned the queen so that's why we used da before the queen and next thing is the second time we are using the queen the noun queen is used the second time that's why we have used da before them. Rule third, which is quite important, many clauses and phrases makes the noun known to the listener by telling the listener which person or thing we are talking about. कई clauses और phrases होते हैं जिससे which makes the noun known to the listener by telling the listener which person or thing we are talking about. तो ये हमें बताता है कि किस
पर्सन या व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या एक क्लॉजेज ऑफ फ्रेसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके पहले अपन दा का प्रयोग करेंगे। तो लेट लुक एट एन एग्जाम्पल सेंटेंस, सो इट विल बी क्लियर विथ यू, इट विल मेक यू क्लियर ऑल दिस थिंग्स। कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, नाउ लिसन द एग्जाम्पल वेरी क्लियरफुली, कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल। नाउ वी यूज द इन द सेंटेंस बिकॉज द फ्रेज ऑन द टेबल टेल्स द लिसनर विच बुक वी आर रेफरिंग टू। हियर इन द सेंटेंस, आप इस सेंटेंस में जब आप बात कर रहे हैं, जो फ्रेज है ऑन द टेबल, ये लिसनर को बता रहा है कि किस बुक के बारे में बात कर रहा है। कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब लिसनर को उस बुक के बारे में पहले से ही पता है। तो इस ऐसे वाक्यों में आप दा का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक दैट द लिसनर कैन सी और ऑलरेडी नोज अबाउट। तो इसको आगे और क्लैरिफाई किया है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर बुक्स, हम दूसरी किताबों के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक, हम एक निश्चित किताब के बारे में या एक सर्टेन किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लिसनर ने देखा हो या फिर वो उसे ऑलरेडी जानता हो। तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे क्लॉजेज ऑफ फ्रेसेस में आप जो नाउन आएगा उससे पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। लर्न टू रिकग्नाइज सच आइडेंटिफाइंग क्लॉजेज एंड फ्रेसेस विल हेल्प यू यूज द करेक्टली। एग्जाम्पल, डिड यू रीड द बुक विच आई गेव यू, सो आप उस किताब के बारे में जानते हैं जो मैंने आपको दे रखा है, तो उससे पहले आपने दा का प्रयोग किया है। ही डिडंट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्टेड, तो आप उस मूवी के बारे में उसे पहले ही बता चुके हैं, तो इसलिए आपने यहाँ दा का प्रयोग किया है। ही लव्ड द डेजर्ट विथ चॉकलेट एंड चेरीज, तो चॉकलेट और चेरीज के वाला जो डेजर्ट है जिसके बारे में वो पहले से ही जानता है, तो पहले से जानता है इसलिए उस डेजर्ट के आगे आपने दा का प्रयोग किया है। द फोन ऑन माई डेस्क बिलोंग्स टू कैन, तो उस फोन के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो कैन को बिलोंग करता है, तो उस फोन से पहले अपन ने दा का प्रयोग किया है। नाउ डिड यू नो द मैन हु वाज टॉकिंग टू लियोनी, तो डिड यू नो द मैन हु वाज टॉकिंग टू लियोनी, तो लियोनी से जो व्यक्ति बात कर रहा था, तो वो स्पेसिफिक व्यक्ति है जो लियोनी से बात कर रहा था, क्योंकि एक हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो उस व्यक्ति को लियोनी से बात कर रहा था, तो हम उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस मैन से पहले दा का प्रयोग किया है। तो आई थिंक आपको ये क्लॉज ऑफ फ्रेज वाला जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो क्लॉजेज ऑफ फ्रेजेस जो लिसनर को ये बताते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उन नाउन से पहले आपको दा का प्रयोग करना है। हाउएवर, नॉट ऑल क्लॉजेज ऑफ फ्रेजेस मेक्स द नाउन नोन टू द लिसनर, लेकिन सभी क्लॉजेज ऑफ फ्रेजेस लिसनर को नहीं बताते कि वो किस के बारे में बात कर रहे हैं। सम आर सिंपली डिस्क्रिप्टिव, कुछ सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन देते हैं। दे ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो मीन्स ऐसे जो सेंटेंस होते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट दे डू नॉट टेल द लिसनर विच स्पेसिफिक थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, मगर वो लिसनर को ये नहीं बताते कि किस स्पेसिफिक वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपको, ये जो बात कही गई है वो एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी। ही बॉट द हाउस विथ ए बिग गार्डन, तो उसने एक बिग गार्डन वाले एक हाउस को खरीदा। दिस कॉम्बिनेशन टेल्स द लिसनर विच स्पेसिफिक हाउस ही बॉट, तो ये हमें ये बताता है कि इस हाउस से पहले हमने दा इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें ये बताता है कि जो बिग गार्डन वाला हाउस है जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि उस स्पेसिफिक हाउस के बारे में बता रहा है, और वो स्पेसिफिक हाउस उसने खरीदा है। ही बॉट द हाउस विथ ए बिग गार्डन, तो इसका मतलब हम उस बिग गार्डन वाले हाउस को ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वाक्य को देखें, ही बॉट ए हाउस विथ ए बिग गार्डन। दिस कॉम्बिनेशन टेल द लिसनर व्हाट काइंड ऑफ हाउस ही
ब्रॉड. तो ये जो कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का, ये सिर्फ लिस्नर को यही बताता है कि किस तरह का घर उसने खरीदा है, बट नॉट द स्पेसिफिक हाउस ही बॉट. मगर ये वाक्य हमें ये नहीं बताता कि कौन सा मकान उसने खरीदा है. तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कई फ्रेजेज और क्लॉजेज जो होते हैं वो एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो देते हैं मगर लिसनर को स्पेसिफिक वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं. तो वहाँ आपको दा का प्रयोग नहीं करना है. जैसे ये जो एग्जाम्पल था, ही बॉट द हाउस विथ ए बिग गार्डन, तो यहाँ हम इस हाउस को जानते हैं इसलिए हमने दा का प्रयोग किया है. और जो सेकंड वाला, ही बॉट ए हाउस विथ ए बिग गार्डन, तो इस केस में हम उस हाउस को नहीं जानते तो इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है. दा इज यूज बिफोर सुपरलेटिव्स. तो सुपरलेटिव्स आप लोगों ने सुना ही होगा, एडजेक्टिव्स में 3 degrees होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे जो बेस्ट होता है उसको बताती है, सबसे अधिक को बताती है. तो सुपरलेटिव जो डिग्री है, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन विद सुपर. सुपर वर्ड जो है, अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ कर लिया तो इसका अर्थ है कि इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा. तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स हैं इनके पहले आपको दा का प्रयोग करना है. तो एग्जांपल पे गौर करें, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल. तो बेस्ट आपने जब वर्ड यूज़ किया तो उससे अच्छा कोई बच्चा उस स्कूल में नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई लड़का उस स्कूल में नहीं हो सकता जब आपने बेस्ट का प्रयोग किया. तो बेस्ट एक सुपरलेटिव है, तो इससे पहले आप दा का प्रयोग करेंगे. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स. जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब वो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उस स्टूडेंट्स के लिए. तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव है, तो इसके बियॉन्ड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो इससे पहले हम सुपरलेटिव, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सुपरलेटिव है, तो इससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे. दा इज़ यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स से पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं. तो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, तो आप एक बार इस टेबल को देखें. कार्डिनल है 1, 2, 3, 4, आप जानते हैं नंबर सिंपल नंबर से उन्हें हम कार्डिनल कहते हैं. तो 1, 2, 3, 4 लिखते हैं. जब ऑर्डिनल की बात होती है तो इनको 1, 2, 3, 4 की जगह अपन बोलते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे रैंक बताना हो आपको या क्लास बतानी है तो फर्स्ट क्लास बोलते हैं, वन क्लास नहीं बोलते, तो उसे अपन ऑर्डिनल कहते हैं. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर्स में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं. तो जहां ऑर्डिनल्स का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी हम दा का यूज़ करते हैं. तो एक बार एग्जांपल देखें, दीपा गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास. तो ऑर्डिनल फर्स्ट आया तो उससे पहले आपने दा का प्रयोग किया है. राम विल गो टू इंग्लैंड इन द नेक्स्ट वीक, इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल. तो सेकंड ऑर्डिनल है तो उससे पहले दा का प्रयोग किया गया है. दा इज यूज्ड बिफोर. तो ये कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि सी जो होते हैं उनके नाम से पहले आपको दा का प्रयोग करना है, जैसे कि ब्लैक सी, द यमुना, द गंगा. तो इन सी से पहले जो नाम होते हैं, जितने भी सी के नाम होते हैं उनसे पहले आप दा का प्रयोग करेंगे. ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे द लक्षद्वीप, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप, तो दा का प्रयोग करेंगे. अंडमान एंड निकोबार, तो दा अंडमान एंड निकोबार बोलेंगे. उसी तरह चेन ऑफ माउंटेंस, ठीक है, माउंटेंस की जो श्रृंखला होती है तो उनके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं. द अरावली माउंटेंस, द हिमालयन रेंज, तो ये चेन ऑफ माउंटेंस है तो इसलिए हम इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे. प्लूरल नाउन, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, प्लूरल नेम्स होते हैं कुछ कंट्रीज़ के, जैसे यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे. नेम ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट जानते हैं रेगिस्तान से पहले, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, तो इनके साथ भी आप दा का प्रयोग करेंगे. नेम ऑफ रीजन, जो क्षेत्र के नाम होते हैं तो उनके पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे. द क्रीमिया, तो इस तरह से आप दा का प्रयोग करेंगे. तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सी का, आइलैंड का, माउंटेन, कंट्रीज, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, डेजर्ट्स, रीजन्स, इनके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे. दा इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर, शिप्स एक्सेट्रा. न्यूज़पेपर या शिप्स के नाम से पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे. द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइटैनिक,
तो ये ships के नाम है, द टाइटेनिक, या न्यूज़पेपर का नाम हो गया इंडियन एक्सप्रेस, तो इनके इनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द इज़ यूज बिफोर डायरेक्शन सच एज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जो डायरेक्शंस होते हैं, दिशाएं होती हैं, उनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. जैसे कि एग्जांपल है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट एक डायरेक्शन है, तो उससे पहले आपने द का प्रयोग किया है. फिर द का प्रयोग हम गल्फ के नाम, बेस के नाम, ओशियन, कैनाल, वाटरफॉल्स, इनके नाम से पहले भी अपन द का प्रयोग करेंगे. जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है जो गुजरात के पास है, तो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे. बे ऑफ बंगाल बे है, तो इससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे. ओशियन है, द स्पेसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन, तो उससे पहले भी द का प्रयोग करें. कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग करेंगे. वाटरफॉल्स है, नाइग्रा फॉल्स है, तो इससे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द इज यूज बिफोर फैमिलीज नेम, जो परिवारों के नाम हैं उनके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द गुप्तास, द मौर्यंस, तो द चालुकास, तो इस तरह जो फैमिलीज के नेम होते हैं, तो इनके इनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द इज यूज बिफोर ग्रेट बुक्स, जो महान ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो इनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द इज यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देखें, शी प्लेस द पियानो डेली, द पियानो, पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले आपने द का प्रयोग किया. द इज यूज बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जो इमारतें होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, तो उनसे पहले भी आप द का प्रयोग करते हैं. द ताजमहल, द हवा महल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, तो ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो इनसे पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे. द प्लस एडजेक्टिव इज यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, द के साथ हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, और इससे हम एक ग्रुप ऑफ लोगों के समूह को बताते हैं, तो वहाँ पर भी आप द का प्रयोग करेंगे. मीन्स द प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए. तो इसे एग्जाम्पल पे गौर करें, हाँ, विथ एडजेक्टिव्स लाइक रिच, पुअर, एल्डरली, अनएम्प्लॉयड, तो ये जो शब्द जो हैं, रिच हो गया, पुअर हो गया, एल्डरली हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, और ये सब अगर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताते हैं, तो अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताते हैं, तो हम उस एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करेंगे. लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर, तो यहाँ पूरा जो पुअर है वो किसी एक के लिए नहीं बता रहे, जो पुअर जितने भी हैं उन सभी के लिए बता रहे हैं, तो आप इस पुअर के साथ द का प्रयोग करेंगे. किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं हो रहा, ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी गरीब हैं उनके बारे में बात की जा रही है. आई थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्सेस, या जो रिच है, मैं सभी रिचेस के लिए ये वाक्य कहा जा रहा है, तो इसमें भी आप द का प्रयोग करेंगे. शी वर्क्स फॉर ए ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल्ड, या किसी पर्टिकुलर डिसेबल्ड की बात नहीं कर रहे, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कितने भी डिसेबल्ड पीपल हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर भी आप द का प्रयोग करेंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सो दैट इट विल हेल्प यू अस टू मूव फॉरवर्ड, एंड सब्सक्राइब अस सो दैट यू कैन वॉच मोर एंड मोर वीडियोज़ फ्रॉम अस. थैंक यू.